सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ पासी चैंप चैलेंज। और गाइस आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमटीपी किट को कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बिना किसी डिले के आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो टैबलेट है ये कितने टाइम पीरियड पर अपना रिजल्ट दिखाती है। तो गाइस अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये अपना सबसे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट 7 वीक्स पर दिखाती है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये 9 वीक्स भी पढ़ने को मिल सकता है, मतलब कि 63 डेज भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन गाइस 49 डेज तक इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 97% चांसेस सक्सेसफुल अबॉर्शन के अबॉर्ट के रहते हैं। और जैसे जैसे ये टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, ठीक है, उतना उतना इस किट का जो रिज़ल्ट है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो कम होती जाएगी, जिसके चलते आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। अब अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन रहेगा तो जो प्रेगनेंसी का अंदर का जो मटेरियल है वो यूट्रस के अंदर ही रहेगा, जिससे आपको हैवी ब्लीडिंग होगी। हैवी ब्लीडिंग होगी तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल होगा, जिससे पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और आपको अननेसेसरी सर्जिकल प्रोसीजर से उस अनकम्प्लीट अबॉर्शन को कंप्लीट करवाना पड़ सकता है। तो अगर मैं आपको कुल मिलाकर कहूँ तो इस टैबलेट का जो रिज़ल्ट है ये 49 डेज तक ही आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि ये टैबलेट कैसे लेनी है। तो गाइस इस टैबलेट की ये देखिए स्टिप है, इस स्टिप में आपको 5 टैबलेट देखने को मिल रही है। तो इसकी जो पहली गोली है ये है मिफेप्रिस्टोन की, 200 मिलीग्राम की ये टैबलेट होती है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट होती है, मतलब जो फीमेल का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, जिससे प्रेगनेंसी डेवलप होती है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, बढ़ने पर यूट्रस के अंदर की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो अपनी थिकनेस को बढ़ाती है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स एक्टिव होते हैं, जिससे जो फर्टिलाइज एग है जब ये उस लेयर पर इम्प्लांट होता है तो वहीं से इस लेयर से उस फर्टिलाइज एग को हर प्रकार का नरिशमेंट मिलता है और वो अपने आगे की जो जर्नी है 9th मंथ की वो स्टार्ट करता है। ये सब प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल के कारण होती है। तो ये जो हमारी मिफेप्रिस्टोन टैबलेट है ये उस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करती है, उसको इनहिबिट कर देती है, डेट्स इट, ओके। और जो दूसरी हमारी इस टैबलेट में जो 4 टैबलेट्स आपको देखने को मिल रही हैं ये मिजोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं, और इनका काम जो यूट्रस है, जो वोम्ब है, बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये बच्चेदानी जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर जो भी उसके अंदर का मटेरियल होगा वो एक्सपेल हो जाएगा। तो गाइज ये तो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन दोनों टैबलेट्स का। अब बात करें कि ये टैबलेट आपने कैसे लेनी है। तो गाइज इस किट की जो पहली टैबलेट है वो है मिफेप्रिस्टोन की। तो ये जो टैबलेट है ये आपने सुबह के टाइम लेनी है। सुबह के टाइम 8 से 10 बजे के बीच में आइडल टाइम माना जाता है, और दिन के समय लेने का भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो ये टैबलेट आप सपोज करें कि 9 बजे लेंगे, ठीक है, और ये टैबलेट आपने पानी के साथ ओरली लेनी है। अब ये टैबलेट लेने पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी साइनो सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन कई फीमेल्स हैं जिन्हें, बहुत ही रेयर फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको नोजिया या लाइट एब्डोमन पेन या फिर लाइट स्पॉट देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर है, ना के बराबर, ठीक है। अगली हमारी टैबलेट है वो है मिजोप्रोस्टोल, और ये जो टैबलेट है ये आपने पहली टैबलेट के 48 आवर्स के बाद में लेनी है। सपोज करें कि पहली टैबलेट आपने 10 तारीख को सुबह 9 बजे ली है, तो अगली की जो टैबलेट है ये आपने 12 तारीख को 9 बजे लेनी है, ठीक है। दो टैबलेट आप लेनी है,
और इस टैबलेट को लेने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टैबलेट को आपने पानी के साथ ओरली नहीं लेना है। इस टैबलेट को सबसे इफेक्टिव मेथड तो ये है कि आप इसको बकल में रख लें या फिर जीभ के नीचे सबलिंगुअल रख लें, लेकिन इसका जो थर्ड मेथड है वो है वजाइनल के थ्रू। वजाइना के थ्रू आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, लेकिन कई फीमेल्स हैं वो इन टैबलेट्स को एक्सपेल कर देती हैं, उन्हें पता नहीं चलता, तो ऐसे में ये टैबलेट अपना काम नहीं कर पाती। तो सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव मेथड है इसको सबलिंगुअल लेना और बकल के बीच में जो गम्स और चीक की जो बीच की कैविटी है वहाँ पर आप इस टैबलेट को रख लें। दो टैबलेट आपने रखनी है 30 मिनट तक, और 30 मिनट तक आपने इस टैबलेट को डिजोल्व होने देना है। ठीक है, जो सलाइवा होगा जो थूक होगा उसको आप निगल सकते हैं, लेकिन 30 मिनट तक आपने इसको रखना है, और 30 मिनट के बाद आप चाहें तो इस टैबलेट को निगल सकते हैं। वैसे तो ये डिजोल्व ही हो जाती है 30 मिनट तक। ओके, तो ये टैबलेट आप 9 बजे लेंगे। इस टैबलेट के 3 घंटे के बाद आपने फिर से दो टैबलेट को दोबारा आपने अपनी जीभ के नीचे या बकल में रखना है, या फिर वजाइनल के थ्रू अगर आप रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड तो गाइस दो ही है, बकल में या फिर सबलिंगुअल। ठीक है, तो ये टैबलेट ऐसे लेनी है। अब बात करते हैं क्या होगा इस टैबलेट को लेने पर, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं इस टैबलेट को लेने के बाद में। तो गाइस पहली टैबलेट में तो कुछ नहीं होगा, कोई भी साइन और सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिजोप्रोस्टोल की टैबलेट है इसको लेने के आधे घंटे बाद से ही आपको एब्डोमन पेन और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और ये जो ब्लीडिंग है ये 4 घंटे तक आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है इस टैबलेट को लेने के बाद से। ठीक है, तो हैवी ब्लीडिंग होगी 4 घंटे तक, और 24 आवर तक ये जो ब्लीडिंग है ये ज़्यादा होकर कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाती है, और ये जो ब्लीडिंग है ये 10 दिन तक आपको परेशान करेगी। ठीक है, और 10 दिन में आपको जो ब्लीडिंग हुई थी ज़्यादा, एब्डोमन पेन जो हुआ था, ये सब होकर 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस टैबलेट को लेने पर 30 मिनट टू 4 आवर के बीच में आपको सबसे ज़्यादा एब्डोमन क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, दूसरा आपको वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, हैवी ब्लीडिंग होगी 4 घंटे तक, तीसरा नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, और जो चौथा है बैक पेन डायरिया देखने को मिल सकता है। लेकिन ये 4 घंटे तक है ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स थे ना वो भी आपको धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब बात आती है कि अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग है और पेन ज़्यादा हो रहा है तो वो पेन किलर भी ले सकते हैं, ब्रूफन की टैबलेट ले सकते हैं 600 मिलीग्राम की टैबलेट। ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, वहाँ पर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो पेन के लिए आप ब्रूफन टैबलेट ले सकते हैं, और इस टैबलेट का जो हमारी किट है उसके रिजल्ट पर, उसकी इफ़ेक्टिवनेस पर कोई असर नहीं पड़ता। आप चाहें तो ये जो मिजोप्रोस्टोल की टैबलेट है इस टैबलेट को लेने से आधे घंटे पहले भी ब्रूफन टैबलेट को ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तब भी आप एमसेट की टैबलेट ले सकते हैं, जो कि एंटीमेटिक ड्रग है वोमिटिंग को कंट्रोल करने की। एमसेट 4 mg की टैबलेट आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपने एक भी टैबलेट नहीं लेनी है, और पेन किलर में आपने एस्पिरिन को नहीं लेना है, जो कि खून को थिन भी करती है, तो एस्पिरिन और ब्लीडिंग को रोकने की टैबलेट नहीं लेनी है। लेकिन आप पेन किलर ले सकते हैं, मेफ्टाल्स पास हो गया, या फिर ब्रूफन टैबलेट हो गया, या फिर एनाफोर्टन टैबलेट हो गया, तो ये आप टैबलेट ले सकते हैं पेन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात थी कि क्या क्या आपको एक्सपेक्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो गाइस इस टैबलेट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पहले नंबर पर है हैवी ब्लीडिंग, दूसरे नंबर पर है एब्डोमिनल क्रैम्प मतलब कि एब्डोमन पेन, तीसरे नंबर पर बैक पेन और डायरिया, और चौथे नंबर पर नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, जो कि होते हैं और कॉमनली होते हैं हर अबॉर्शन के टाइम में, लेकिन अगर ये आपको 24 आवर के बाद भी हैं, हैवी ब्लीडिंग है, एब्डोमन क्रैम्प है, नोजिया वोमिटिंग है और डायरिया है, ऐसी कंडीशन में आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है या फिर अपने डॉक्टर से इमिडिएटली कंसल्ट करना है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन होने पर इसका मतलब ये है कि आपको इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट हुआ है।
और हैवी ब्लीडिंग का मतलब यहाँ पर मैं आप क्लियर करना चाहूँगा कि हैवी ब्लीडिंग का मतलब ये है कि अगर आपको 2 घंटे में 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको हैवी ब्लीडिंग है, ठीक है। और एब्डोमिनल क्रैम्प का मतलब ये है कि अगर आपको पेन किलर खाने के बाद भी 24 घंटे के बाद भी अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प है, पेन हो रहा है, तब भी आपको इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है। और अगर डायरिया है 24 घंटे बाद भी, तब भी आपको इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, और ऐसे में आपने इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिर डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाना है। आगे बात करते हैं गाइज इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि किन लोगों को इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। तो पहला है, अगर आपने इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का यूज़ किया हुआ है, मतलब कि कॉपर टी अगर आपने लगवाई है, तब भी आपने ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है, और डॉक्टर को बताना है कि आपने कॉपर टी यूज़ की हुई है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको इसके रिगार्डिंग बताएंगे। दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपने देखा होगा कि अगर आप डॉक्टर से ये प्रेस्क्राइब मेथड से इस टैबलेट को लेते हैं, किट को लेते हैं, तो डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करने से पहले आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो कि काफ़ी नेसेसरी भी होता है। अल्ट्रासाउंड से पहला तो है कि डेट कंफर्म हो जाती है, 49 डेज से पहले की है, तो डॉक्टर बेनिश्चिंत होकर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो पहला है कि आप डायग्नोज हो जाते हैं कि आपको इतने टाइम की प्रेगनेंसी है। दूसरा है, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ पर है, इंट्रा यूटेरिन कैविटी में है, या फिर आपको नल्लों में प्रेगनेंसी, मतलब फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर ओवरीज में तो नहीं है, या फिर जो एब्डोमन की किसी कैविटी में तो नहीं है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस टैबलेट को लेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस टैबलेट की जो हमारी मिफेप्रिस्टोल जो टैबलेट है, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऐसे में ये फैलोपियन ट्यूब को जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी और अगर उसके अंदर प्रेगनेंसी हुई, तो ऐसे में जो फैलोपियन ट्यूब है वो उतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को झेल नहीं पाएगी और वो रैप्चर हो जाएगी, जिससे आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी इंटरनल, और फिर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो एप्टोपिक प्रेगनेंसी काफ़ी मेन कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। अगला है कि अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, कई मदर हैं वो उनके पास ऑलरेडी बेबी होता है, और ऐसी हालात में अगर वो कंसीव कर लेती हैं, तब आपने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करानी है, क्योंकि इस टैबलेट का जो असर है वो 24 आवर्स तक रहता है, तो आपने कम से कम 48 आवर्स तक तो ब्रेस्ट फीड नहीं करानी है। और अगर आपको ज़रूरी है तो इस टैबलेट को लेने के बाद आप अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सपेल कर लें, निकाल लें, और निकालने के बाद आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप किसी लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड की, बीपी की, शुगर की, या कोई स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी ऐसे ही हालातों में आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और उसके बाद है कि अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, जिसमें प्लेटलेट्स काउंट हैं वो कम हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ या लंग डिजीज़ है, तब भी गाइज आपने इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी कि अगर आपको खून की कमी है, मतलब कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, HB अगर आपका कम है, तब भी गाइज ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है इस टैबलेट को यूज़ करने पर। ये तो थी प्रिकॉशंस। अब बात करते हैं इमरजेंसी साइन ऑफ सिम्टम्स की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज अगर आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं और अगर आपको ये जो ब्लीडिंग है 24 घंटे तक, तो चलिए ठीक है, 24 घंटे में जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा से होके कम भी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा की ब्लीडिंग दिख रही है, तो ऐसे में आपने इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपने ब्लीडिंग के कम होने का वेट नहीं करना। दूसरा, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, अगर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, हाई ग्रेड फीवर है, तो आपको ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से बात करनी है। तीसरा, अगर आपको लगातार एब्डोमिनल क्रैम्प आ रहे हैं, पेन आ रहा है एब्डोमन में 24 आवर के बाद में भी, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने डॉक्टर से बात करनी है।
चौथा, अगर वजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी गंदा है, उसमें से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है, पस टाइप का कुछ निकल रहा है फ्लूड, तो ऐसे में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये सेप्सिस होने की निशानी है वजाइना में, इन्फेक्शन होने की, जिससे आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और इनसे बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो गाइज़ आगे बात करते हैं मेजर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती है इस टैबलेट को लेने पर। तो गाइज़ जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है, जो बड़ी दिखते हैं, पहला तो है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इस टैबलेट को लेने पर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, जिससे हैवी ब्लीडिंग, पेशेंट शॉक में जा सकता है। दूसरा है इन्फेक्शन, इस टैबलेट से इन्फेक्शन सेप्सिस होने के चांसेस भी रहते हैं, और ऐसी कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर आपको लगता है कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जो तीसरा मेज़र कॉम्प्लिकेशन है वो है हैवी ब्लीडिंग। अगर आपको हर 2 घंटे में 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हैवी ब्लीडिंग है, और ऐसी कंडीशन में भी आपने वेट नहीं करना है और डॉक्टर से इमिडिएटली कंसल्ट करना है। ठीक है, तो गाइज आगे बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, जो कि इस टैबलेट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो पहला है कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर इस टैबलेट को लिया जाए। तो गाइज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बेशक इस टैबलेट को लेकर दोबारा फिर से जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको आपने हैबिट बना लेना है इस किट को यूज़ करने की, ऐसा नहीं है। 1-2 बारी के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा समय से यूज़ करें, बारी बारी इसका यूज़ करेंगे, तो आपका जो यूट्रस है वो, जो उसकी मोर्टैलिटी है वो ख़राब हो जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्शन जो उसमें होता है, जो उसका फंक्शनिंग है वो ख़राब हो जाएगा, और फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला है कि मिसोप्रोस्टोल की सेकेंड डोज को लेना ज़रूरी है या नहीं अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। तो गाइस बेशक आपको वो टैबलेट लेनी है, किट का मतलब ही होता है कि आपने ये जो पूरी किट है इसको लेना है। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने आपका जो अबॉर्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये पूरी किट लेनी ज़रूरी है। अगला है कि कई लोग पूछेंगे कि इस टैबलेट को लेने पर ब्लीडिंग नहीं हुई। तो गाइज़ देखिए, इस टैबलेट की जो पहली टैबलेट है ना, इस किट की जो पहली टैबलेट है, उससे ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लीडिंग आपको सेकेंड डोज पर होगी, जो मिसोप्रोस्टोल की जो डोज़ है फर्स्ट डोज, उस पर आपको ब्लीडिंग होगी। और आपने, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो 24 आवर का आपने वेट करना है, कम से कम आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। और अगर नहीं होती है, ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट देंगे या फिर आपको बताएंगे कि आपने आगे क्या करना है। अगला पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो पीरियड्स हैं वो कितने टाइम में दोबारा आएंगे। तो गाइज़ नॉर्मली जो पीरियड हैं वो 4 से 6 वीक्स के बीच में आ जाते हैं, तो ये जो पीरियड हैं ये थोड़ा, जो इनका रेगुलर साइकिल था ना, वो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आपको वेट करना है कम से कम 4 से 6 वीक्स के बीच में, और आपको आपके पीरियड्स आ जाएंगे। अगला है कि हमने ये जो किट है वो ले ली है, और उसके बाद जो प्रेगनेंसी है उसको कंफर्म कैसे करें कि ये जो हमारा अबॉर्शन है वो कम्प्लीटली हुआ है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो गाइज़ देखिए, नॉर्मली तो जो ये प्रोसेस है इस किट को लेने की, ये 10 दिन के अंदर हो जाती है। जो भी आपको होना होता है, ब्लीडिंग वगैरह, और जो नॉर्मल साइकिल होना होता है, वो 10 दिन के अंदर हो जाता है। ऐसे में आप 14th डे पर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं कंफर्म करने के लिए। और ऐसे में कई लोग ये भी गलती करते हैं कि वो UPT करते हैं, यूनरी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। उसके लिए कम से कम 4 वीक्स का वेट होता है। जो बेटा HCG हार्मोन होता है वो कम से कम 2 से 4 वीक्स तक सीक्रेट होता रहता है, जो कि प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, तो उसका जो लेवल है वो बना रहता है बॉडी के अंदर। और अगर आप ऐसी कंडीशन में UPT करते हैं, तो आपको फॉल्स रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको अपना सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिससे आप एक तो ये डिटेक्ट कर लेंगे कि कोई जो प्रेगनेंसी का मटेरियल है वो
यूट्रस के अंदर तो नहीं रहा, दूसरा आप कंफर्म भी कर पाएंगे, और तीसरा है कि अगर कोई गड़बड़ी होगी अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तो भी आप उसको इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। तो सोनोग्राफी काफ़ी अच्छा रहता है करवाना, और अगर आप सोनोग्राफी नहीं करवाना चाहते तो आप कम से कम 4 वीक्स का वेट करें और उसके बाद आप UPT करवा सकते हैं। अगला पॉपुलर क्वेश्चन है कि सीजीरियन सेक्शन अगर किसी ने करवाया है या फिर नॉर्मल डिलीवरी करवाई है तब भी क्या वो इस किट को ले सकती है? गाइस बेशक अगर आपने सी सेक्शन करवाया है या फिर नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हुई है तो आप इस टैबलेट को बेशक यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी एडवर्स इफेक्ट या फिर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेगी इस टैबलेट के रिगार्डिंग। और गाइस एक और पॉपुलर क्वेश्चन है कि अगर आपने ये किट ली है और अबॉर्ट हो चुका है सक्सेसफुली तो दोबारा से इंटरकोर्स कितने टाइम तक कर सकते हैं? तो गाइज इंटरकोर्स कम से कम 2 वीक्स तक नहीं करना होता। अगला है कि प्रेगनेंसी कितने टाइम बाद कंसीव हो जाएगी? तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया कि जो पीरियड्स हैं वो आपको 4 से 6 वीक्स के बीच में आ जाते हैं, और उससे पहले ओवल्यूशन होता है, और ओवल्यूशन का मतलब ही यही है कि जो आपकी बॉडी है वो दोबारा से प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बन चुकी है। तो जैसे आपका साइकिल नॉर्मल होता है वैसे ही आपकी बॉडी दोबारा से प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। तो गाइस ये सारा आज का हमारा टॉपिक था MTP किट के ऊपर। आई होप ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay fit.